हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मेडिकल इन्फो में। मैं आप सभी का दोस्त शिवम सैनी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डेरी फाइलिन इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों इसका यूज क्या होता है और इसका डोज कितना देना चाहिए तथा इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको चाहिए तो बने रहिए हमारी वीडियो को लास्ट तक। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों चलिए समय वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं डेरी फाइलिन इंजेक्शन के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। दोस्तों इसमें क्या क्या मिला हुआ होता है। तो दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो सीटोफाइलिन तथा थियोफाइलिन मिला हुआ होता है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। दोस्तों इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसके निर्माण की बात की जाए तो जायडस कोडिला कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं डेरी फाइलिन इंजेक्शन के प्राइस के बारे में। दोस्तों ये आपको मार्केट में कितने रुपए का मिल जाता है। तो दोस्तों इसके मार्केट प्राइस की बात की जाए तो 7 रुपए से 10 रुपए के बीच में आपको मार्केट में मिल जाता है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं डेरी फाइलिन इंजेक्शन के यूज के बारे में। दोस्तों इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों इसका जो मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है वो अस्थमा में किया जाता है। दोस्तों यदि किसी पेशेंट को ब्रोंकाइटिस हो गई है तो उस कंडीशन में हम डेरी फाइलिन इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यदि किसी पेशेंट के सांस बहुत ज़्यादा फूलती है तो उस कंडीशन में हम डेरी फाइलिन इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यदि किसी पेशेंट के फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशन में हम डेरी फाइलिन इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यदि किसी को बहुत ज़्यादा जुखाम हो गई है यानी कि उसको बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है कंडीशन में भी हम डेरी फाइलिन इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं डेरी फाइलिन इंजेक्शन के डोज के बारे में। दोस्तों इसका डोज कितना लेना चाहिए। तो इसका उपयोग अपने डॉक्टर के अनुसार ही करना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं डेरी फाइलिन इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों इसके साइड इफेक्ट की बात की जाए तो सिर दर्द होना, चक्कर आना, अनिद्रा हो जाना, उल्टी होना, जी मचलाना, पेट दर्द होना, चिड़चिड़ापन, मांसपेशियों में दर्द होना आदि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमें डेरी फाइलिन इंजेक्शन किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों यदि आपको लीवर के रोग हैं या आपका हाई ब्लड प्रेशर है या आपके पेट में अल्सर है या आपको हाइपोथायराइड है और दोस्तों यदि आपको मिर्गी आ रही है या आपके शरीर में ड्रग एलर्जी है तो उस कंडीशन में हमें डेरी फाइलिन इंजेक्शन का यूज नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ लोगों के सवालों के बारे में। दोस्तों कुछ लोगों का सवाल होता है क्या गर्भवती महिला को या स्तनपान कराने वाली महिला को हम डेरी फाइलिन इंजेक्शन का यूज करा सकते हैं। तो दोस्तों गर्भवती महिला को या स्तनपान कराने वाली महिला में उपयोग कराने से पहले आप अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। क्या डेरी फाइलिन इंजेक्शन हम ड्राइविंग करते समय यानी कोई मशीन चलाते समय ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका उपयोग हमें ड्राइविंग करते समय यानी कोई मशीन चलाते समय नहीं करना चाहिए। और दोस्तों कुछ लोगों का सवाल होता है क्या डेरी फाइलिन इंजेक्शन लत बन सकता है। तो डेरी फाइलिन इंजेक्शन की लत नहीं लगती है। और दोस्तों कुछ लोगों का सवाल होता है क्या डेरी फाइलिन इंजेक्शन हम शराब के साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका उपयोग हमें शराब के साथ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।